बरिया गोलंबर के पास से अहियापुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को वहाँ के पुलिस अहियापुर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के क्रम में उसके पास से 50-50 का 35 नोट मिला था। नोट तो देखने में ओरिजिनल जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें जो अंकित नंबर है वो सब एक ही नंबर का है, तो उससे देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जाली नोट है। जाली नोट के साथ वैशाली का एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर जाली नोट के संबंध में जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने 1150 रुपए बरामद किया है और सभी नोट 50-50 के जाली नोट बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान प्रफुल्ल कुमार के रूप में की गई है, जो वैशाली जिला के हाजीपुर के रामशीष चौक का निवासी है। डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि गिरफ्तार युवक अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के पास जाली नोट को खपा रहा था। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंचकर जाली नोट के साथ उस युवक को गिरफ्तार कर थाने लाया, जहां पुलिस पूछताछ कर जेल भेजने की प्रक्रिया में जुट गई है। बरिया गोलंबर के पास से अहियापुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को वहां के पुलिस अहियापुर थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के क्रम में उसके पास से 50-50 का 35 नोट मिला था। नोट तो देखने में ओरिजिनल जैसा लग रहा था, लेकिन उसमें जो अंकित नंबर है वो सब एक ही नंबर का है, तो उससे देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जाली नोट है। उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि हाजीपुर का एक व्यक्ति उनको ये नोट प्रोवाइड करवाए थे, उपलब्ध करवाए थे, और उस संबंध में ज़्यादा जानकारी उनके द्वारा नहीं मिल पाया। बोले कि वही व्यक्ति इस संबंध में कहाँ से लाना है, कहाँ क्या करना है, कैसे तैयार होता है, वही बता पाएंगे। जाली नोट मिलने के संदर्भ में अहियापुर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी अंकित की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।